हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी तीन मछलियों की। बहुत समय पहले की बात है, तीन मछलियाँ एक ऐसे तालाब में रहती थी जो कि बहुत खूबसूरत था। उन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती भी थी और दिन भर तैरते हुए आपस में खेलते रहती थी। उन सभी का समय बहुत ही खूबसूरत बीत रहा था और उस तालाब में पास के ही गाँव से अच्छे अच्छे भोजन बहकर आते थे और वह तीनों उसे बहुत ही मजे से खाती थी। अचानक एक दिन दो मछुआरे उसी तालाब की ओर से गुजर रहे थे और उन्होंने मछलियों को देखा। उन दोनों मछुआरों ने सोचा कि इस तालाब में बहुत सारी मछलियां होंगी और उन्हें पकड़ना चाहिए। उनको लगा कि अगर वह ऐसा करेंगे तो उन मछलियों को बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। मछुआरों की बातें उन तीनों मछलियों ने सुन ली और वह बुरी तरह से डर गई और फिर उस तालाब को छोड़ने का योजना बनाने लगी। लेकिन उनमें से जो तीसरी मछली थी वह बोलने लगी कि मैं इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा परिवार पिछले कई सालों से इसी तालाब में रह रहा है। दूसरी मछली भी तीसरी की ही साथ में उसी तालाब में रहने का फैसला किया। लेकिन पहली मछली कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी और वह उस तालाब को छोड़कर एक छोटी सी झील के अंदर चली गई। अब उस तालाब में सिर्फ दो ही मछलियां रह गईं और दूसरे दिन वही मछुआरे एक बहुत बड़ा सा जाल लेकर उन मछलियों को पकड़ने के लिए पहुंच गए। मछुआरों ने जब तालाब में जाल फेंका और वह दोनों मछलियों के साथ उनका परिवार भी उस जाल में फंस गया। अब उसमें जो दूसरी मछली थी उसने मछुआरों से बचने के लिए एक नाटक किया और वह चुपचाप शांत हो गई। मछुआरों को लगा कि वह मर चुकी है, इसीलिए उन्होंने यह सोचते हुए उस मछली को वापस तालाब में फेंक दिया। यह सोच के कि हम मरे हुए मछली को नहीं ले जाएंगे, तो इस तरह से वह दूसरी मछली ने अपना दिमाग लगाकर अपनी जान बचा ली। बुरे वक्त के समय हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि शांत दिमाग से उस बुरे वक्त से निकलने के लिए उपाय सोचना चाहिए। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियां देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।